कथिताम् भगवताम् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयत्रधजला गान्धारनीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तक केशवा पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोकेशज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयात् भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः हरिओम
गीता जयंती के इस पावन पर्व पे हमने ये अभी गीता ध्यानम चैंट करे हैं। मधुसूदन सरस्वती द्वारा लिखे गए ये श्लोक हैं और ये गीता की महिमा को महिमा मंडल करते हैं। दुनिया की शायद एक ही पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। सबसे श्रेष्ठतम पुस्तकों में से एक पुस्तक है। क्रिश्चियंस की बात होती है तो बाइबल आती है, मुसलमानों की होती है तो कुरान होती है, हिंदुओं की बहुत पुस्तक है, रामायण है, भागवतम है, वेद है, पुराण है, योग वशिष्ठ है, अष्टवक्र गीता है। एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है, लेकिन भगवत गीता सर्वोपरि मानी जाती है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, मैं बीच में बताऊंगा इस श्लोक के बारे में। गीता जी के आज के इस पावन पर्व पे हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेते हैं। तो आज जैसे गुरु पूर्णिमा में हमारे पास टॉपिक होता है, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सीजन्स ऑफ जॉयज एंड सॉरोज। सीजन्स ऑफ जॉयज एंड सॉरो, इस आइडिया, इस टॉपिक का आइडिया मुझे एक बार एक हमारे स्टूडेंट ही है मनोज जैन जी, उनसे बात कर रहे थे। तो सर्दियां ज्यादा पड़ रही तो उनके मोजों का काम है, उनके जुराबों का काम है, तो सर्दियां ज्यादा होगी तो सीजन अच्छा चल गया उनका। तो मैंने पूछा, मनोज जी क्या हाल है? कहते मोजा ही मोजा, मोजों का काम है ना, जुराबों का काम है, तो कहते मोजा ही मोजा, सीजन अच्छा है। अक्सर ये बातें आती है, आजकल सीजन अच्छा चल रहा है, ये सीजन है, ये शॉल का सीजन है, ये इन चीजों का सीजन कहते हैं हमारे आम धारणा में भी हम बोलते हैं। इस बार सीजन अच्छा नहीं आया, इस बार तो सीजन बेकार गया, या इस बार बड़ा अच्छा सीजन निकला। हर चीज में सीजन्स है, हर चीज में सीजन्स है, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एनालाइज। सीजन बढ़ते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। मार्केट का सीजन होता है, मार्केट में एक सीजन चलता है। सर्दियों का सीजन आए तो कंबलों वालों की लाइन लग जाती है, गर्मियों का सीजन शुरू होता है तो एयर कंडीशन वालों की शुरू है। तो अपने आप को उस सीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन। यू प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर सीजन। अब सर्दियां आ रही हैं तो आप अभी प्रिपेयर नहीं करते रजाई के लिए, आप सर्दियों के सीजन की प्रिपरेशन सर्दियों से पहले कर लेते हो, एयर कंडीशन की सर्विसेज गर्मी आने से पहले करते हो। यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए फ्यूचर सीजन, इजंट इट ट्रू? तो सीजन्स आते हैं, बॉडी लेवल में भी सीजन्स होते हैं, औरतों में तो होते हैं, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब समय उनका होता है तो उनका एक समय चलता है, फिजिकल सीजन्स हैं। फीमेल में तो ज्यादा है, आदमी में कम है, लेकिन है। जैसे बॉडी बूढ़ी होती शुरू हो जाती है, हमारा सीजन खत्म हो जाता है। जब तक जवान है आपके सीजन अच्छा है, जब तक जवान ही जिंदाबाद है तब तक सीजन अच्छा है, और जैसी जवानी खराब होती है सीजन खत्म होने लगते हैं। बॉडी का सीजन है, लेकिन एक्सटर्नल सीजन्स भी होते हैं कुछ, और वो मैं आज आपको बताता हूं। आपके सामने मैं कुछ फोटोएं रखता हूं, कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने मैं रखता हूं, और आपसे पूछता हूं कि ये आपको क्या दर्शाती है इस फोटोग्राफ। नाउ ये आपके सामने आए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की फोटोग्राफ दी है मैंने आपको। इससे अगली देखता हूं, ये बाबरी ढांचा जब टूटा था, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, बाबरी की जब ढांचा टूटा गया। ये याद है आपको क्या हुआ, इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने समर्पण किया इंडिया को, अच्छी बात है। ये फोटो आपको कुछ ध्यान दे रही है, कंधार की, ये कंधार में इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक हुआ था। आई गो बैक अगेन, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा है, ये इंडिया
पाकिस्तान की लड़ाई चली और समर्पण किया पाकिस्तान आर्मी ने, ये कंधार है, कंधार हाईजैक हुआ था, ये याद है फोटो आपको, ये निर्भया कांड के बाद जो दिल्ली में उपद्रव हुए थे, दिल्ली में जो भय की थी, और ये CAA के प्रोटेस्ट हुआ। और आपको याद है दिसंबर, यही कोरोना था, कोरोना, एंड देन अभी किसान आंदोलन चल रहा है। आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। और ये अन्ना मूवमेंट, ये अन्ना मूवमेंट, ये किसान आंदोलन, ये कोरोना, ये CAA मूवमेंट, ये निर्भया, ये कंधार, ये पाकिस्तान का सरेंडर, ये बाबरी, ये भोपाल ट्रेजेडी, इस सब के पीछे रूट क्या है, सब के पीछे क्या है? श्रुति समानी का आंसर है, ऑल हैपन इन दिसंबर, ऑल दिस इंसिडेंट हैपन इन दिसंबर, एंड दिस इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, दिस इज ऑल हैपन इन दिसंबर, एंड व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू? महाभारत, महाभारत, ये भी कब हुई? आज ही के दिन शुरू। आई कैन गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मेरे पास बहुत डेटा है। मेरी प्रेमा नाराज हो जाती है मुझसे कि मैं हिस्ट्री ज्यादा बोलने लगता हूं। 1943 में जापान बम्ब्ड इंडिया, कलकत्ता में जापान ने बम्ब किया दिसंबर में। कोरोना एक्चुअल में आया दिसंबर में उधर चाइना में, चाइना के योहान शहर में। आई कैन गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, व्हाई इज दिस कोलावेरी कोलावेरी, व्हाई इज दिस दिसंबर मंथ ऑलवेज कम विद इनक्रेडिबल इंसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री? आई डोंट नो व्हाई, I have researched, I can go on and on and on, bahut mere paas data hai, but that's not the word I'm trying to build up. In month of December, India always goes through season of crisis. In month of December, India always falls through seasons of crisis, and not simple crisis. Even jo Mumbai ka अटैक हुआ था, टेरर अटैक, दैट्स आल्सो 29th ऑफ नवंबर को हुआ था, विच आई एम नॉट मेकिंग इट ऑन अ दिसंबर अकाउंट में। इंदिरा गांधी हत्याकांड भी नवंबर में, 19 नवंबर के आसपास उसकी लड़ाई हुई थी, आई एम नॉट ब्रिंगिंग दैट, बट दिस इंसिडेंट, दिस मंथ ऑफ द ईयर एवरी टाइम ब्रिंग्स क्राइसिस। नाउ दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, व्हाई? आई एम नॉट ज्योतिष, प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्योतिष, I'm talking about seasons. सर्दियों का सीजन आता है, गर्मियों का सीजन आता है, बॉडी का सीजन आते हैं, सुख दुख का भी सीजन है। Without any reason you feel sometimes joyful. कोई रीजन और राइम नहीं है, but suddenly you feel joyful. और कोई रीजन और राइम नहीं है, you feel sad, gloomy, stressed. यूरोप में, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सुसाइड ग्रे वेदर में होते हैं, ग्रे वेदर में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं, डिप्रेशन सबसे ज्यादा तब होता है। सनी डे में यू फील ब्राइट एंड ब्रिलियंट। तो सीजन्स होते हैं, जैसे बिजनेस का सीजन्स है, जैसे बिजनेस का सीजन्स है, सर्दियों में सीजन अलग है, गर्मियों में सीजन है, कमाई का समय है, कहते हैं तो कमाई का टाइम है, फेयर इनफ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बॉडी में बीमारी का टाइम होता है, हमारे घरों में कहते हैं ये नॉर्मल बात है, यदि शादियां आती हैं तो 5-6-7 शादियां इकट्ठी आती हैं, नोटिस करना कभी आप, शादियां आती है तो 5-6 शादियां इकट्ठी आती हैं, डेथ आती है तो 5-6 डेथ इकट्ठी आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अकलौती डेथ हुई हो, आप खबरें सुनेंगे डेथ की तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती रही, संतान हो रही तो वो भी आपको एक के बाद एक नजर आएगा, अच्छा उसका मुंडा हो गया, उसकी कुड़ी होगी, उसका पोता हो गया, उसकी पोती होगी, उसकी शादी होगी, सीजन आते हैं।
और उसको आप रोक नहीं सकते. नाउ दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट गीता इज. व्हेन यू फुलफिल योर डिजायर, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, व्हेन यू फुलफिल योर डिजायर यू गेट जॉय. When you fulfill your desire, you get joy. When you're not able to fulfill your desire, you have sorrows. The season of joy and sorrow is based on your desire. When you fulfill your desire, jab kamna puri ho jati hai, to joy hota hai. Jab kamna puri nahi hoti, to sorrow hota hai. When you eliminate your desire, you are in bliss. Then men will go, men will come, I will go forever. In the state of bliss, in the state of self-realization, in the state of self-evolution, externally jo bhi mahol ho, crisis se crisis wala mahol kyun na, externally crisis se crisis wala mahol bhi kyun na, tab bhi aap shant hote hain. And this is what Bhagavad Gita teaches us. This is the Mahabharat. Ye hai Mahabharat. External, bahar kitna bada crisis ho raha hai, kitni badi ladai ho rahi hai. Externally, there is a huge season of sorrows. अगले 18 दिन लड़ाई चली है और 18 दिन किसका season है? Death का, death का, death का. Even then, भगवान says, प्रसन्न एव आत्मा, चित्त प्रसन्न रहे. बाहर सुख आएंगे, दुख आएंगे. कभी सीजन अच्छे का चलता है कभी, और हम जब सीजन अच्छा चलता है तो हम फुहारे की तरह उड़ना शुरू हो जाते हैं. जब सुख आता है तो फुहारे की तरह उठना शुरू हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो ब्लेड की तरह फुस हो जाते हैं. आएंगे. यू कैनॉट स्टॉप एक्सटर्नल जॉय एंड सॉरो. दैट्स द मेन टॉपिक. आई एम नॉट मेकिंग हिस्ट्री है, आई एम नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री, बट ग्लेरिंग है, सामने आ रहा है. कभी समय मिला तो मैं और डिटेल में इस दिसंबर के महीने में जाऊंगा, लेकिन 45 मिनट में मुझे आई हैव टू फिनिश द चैप्टर. सो कितनी घटना हुई. फ्लैग डे हुआ, 6 दिसंबर हुआ, भोपाल ट्रेजेडी हुई, कंधार हुआ, निर्भया हुआ, कोरोना हुआ, किसान आंदोलन चल रहा है आजकल. आजकल क्या चल रहा है? दिसंबर अगेन देखो पूरी कंट्री में क्या चल रहा है. किसान आंदोलन चल रहा है, अन्ना मूवमेंट चली थी, जयललिता डाइड, नरेंद्र मोदी लैंडेड, अपने आप लाहौर पहुंच गए थे बिना बोले. कई घटना घटती. आप कहोगे तो रोज घटती हैं, रोज घटती हैं, लेकिन जो सीक्वेंस इतना स्ट्रांग है, जो पूरा इतिहास बदलते भारत का, वो कम होता है. घटनाएं तो बहुत होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन सीजन जो आया ये, सो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, सौरव आएंगे. वेव्स जब तक सागर हैं, लहरें आएंगी, लहरें ऊपर उठेंगी, लहरें नीचे जाएंगी. जब तक सागर हैं, लहरें ऊपर उठेंगी, नीचे जाएंगी. आप लहरों को समतल नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल. आप दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, दुनिया कुत्ते की पूंछ है, उतार चढ़ाव चलेगा. सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय आएगा ही आएगा. There is no denial there. You cannot say कि मेरी life कम बराबर हो. मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, आपने life क्या, आपने ECG देखी है? ECG क्या है? This is easy. आप ECG में up and down चाहते हो या आप ECG में सीधी line चाहते हो? मैं मजाक में कहता हूँ, ECG में आपको up and down चाहिए, सीधी line चाहिए? Life means up and down. Life means joy and sorrow. कभी सीजन अच्छा आ जाता है जॉय का, तो enjoy कीजिए. कभी सीजन खराब आ जाता है तो उसको स्वीकार कीजिए. लेकिन यदि नॉलेज नहीं है, यदि श्रीमद भगवत गीता की नॉलेज नहीं है, आप कहोगे नहीं जी और किताबों में नॉलेज है, जरूर होगी. मैंने जहां से पढ़ी है मैं वो बता. आप कहोगे नहीं उस किताब में बहुत नॉलेज है, जी सदके जरूर लो, पर कोई तो नॉलेज लो. ओके, आपको रामायण से पसंद है, रामायण लो. आपको भागवतम पसंद है, भागवतम लो. आपको वेद चूड़ामणि है, योग वशिष्ठ है, कुछ है लो. आपको चलो ये भी नहीं पसंद आती, कोई और थिंकर्स की, कोई और वेस्टर्न थिंकर की किताब इंस्पायर करती है, करो. राह पकड़, तू एक तो पकड़ ना, एक तो राह पकड़ जो आपको मुझको इस जॉय एंड सॉरो में क्या करते
टाइम कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, टाइम कभी खराब होता है टाइम कभी अच्छा होता है, वेव्स कभी अपर होती है कभी नीचे होती है, सीजन्स कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। वेदांता नेवर से दैट यू विश नहीं करता कि जीवन में दुख आए, जीवन में दुख आए आप विश नहीं करते, बट यू प्रिपेयर योर सेल्फ। जैसे आप कार की इंश्योरेंस करते हो, मैंने आज अपने कार की इंश्योरेंस कराई है, कार की आप इंश्योरेंस कराते हो, यू डोंट विश कि एक्सीडेंट हो, बट यदि आप एक्सीडेंट हो तो यू हैव ए इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस से अपने आप को सेव कर सकते हो। आप नहीं चाहते घर पे आग लगे लेकिन आप इंश्योर कराते हो घर को, आप घर पे डेटोल बैंडेड रखते हो, क्यों रखते हो, आप ये नहीं चाहते चोट लगे लेकिन घर लगे तो आप उसके प्रिपेयर हो। ये मैं नहीं कह रहा कि आप चाहो कि दुख आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुख को सलाम करो, लेकिन अगर दुख आए तो आपके पास एंटी विटामिन्स एंटीबॉडीज, सो आपके पास एंटीबायोटिक्स होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। ये जर्म्स हैं दुख के जो बॉडी में दिमाग में आके अटैक करते हैं, ये जर्म्स हैं अटैचमेंट के, ये जर्म्स हैं सौरों के, ये जर्म्स हैं जो आपके मेरे मस्तिष्क में आके मुझे अटैक करते हैं। और अगर आपके पास गीता रूपी एंटीबायोटिक्स है, मैं दो चीजें देता हूं गीता जी को, मैं गीता जी को कहता हूं ये एंटीबायोटिक्स है और एंटीवायरस है, एंटीवायरस भी है। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाउनलोड करते हो और एंटीवायरस डाउनलोड करके छोड़ नहीं देते, फिर हर हफ्ते या महीने उसको कंफर्म करते हो, उसको दोबारा रीलोड करते हो, यू कई, क्योंकि वायरस आके आपको खराब ना करे। तो ये एंटीवायरस है आपके दिमाग में जॉय एंड सोरो के। आई रिपीट, जॉय भी वायरस है, प्लीज समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। सुख भी वायरस है, दुख भी वायरस है। सुख भी बार 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 आता रहे तो सुख नहीं रहता, दुख भी बार 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 आता रहे तो दुख नहीं रहता। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सब वायरस है। वेदांता सुख दुख की बात नहीं करता, जॉय और सोरो के सीजंस की बात नहीं करता, वेदांता बात करता है ब्लिस की, आनंद की। और उसके लिए हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है। तो भगवद गीता जी का एक ध्यान श्लोक का एक श्लोक है जो मैं आप पढ़ूंगा, मैं प्रेमा पढ़ेगी, ध्यान श्लोक का श्लोक है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, तो वो श्लोक प्रेमा पढ़ेगी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमद् भगवद गीता से पहले के श्लोक हैं, इन्वोकेशंस कहते हैं इसके, ध्यान श्लोक। इसमें कहते हैं सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद गाय हैं, गीता जी की महिमा के बारे में सारे उपनिषद गाय हैं और गीता जी दूध है। उपनिषदों का नॉलेज कहां से आती है, सर्वव्यापी है। उपनिषदों में ज्ञान कहां से लिया गया, नेचर से, प्रकृति से। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और भगवान कृष्ण ग्वाले तो उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान निचोड़, वेदों का एसेंस भगवान कृष्ण जी ग्वाले। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुधीर भोक्ता, जो पार्था है वो सामने बछड़ा है। दूध कब देती है गाय, जब सामने बछड़ा हो। दूध कब देती है, जब सामने बछड़ा हो, और वो दूध क्या है, गीता रूपी अमृत। और ये पीता कौन है, हम और आप, सुधीर भोक्ता। ये गीता जी का ज्ञान है। सीजन जॉय सौरव आएंगे, लोग कहते हैं अपना भी टाइम आएगा, अपना सीजन आएगा, अपना टाइम आएगा, ये सब
शेख चिल्लियों की कहावतें हैं। अभी इसी समय आपका सही समय आया, अपना टाइम आएगा, कोई और टाइम आएगा। ये शेख चिल्लियों की आदत है कि कोई और फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर कभी भी परफेक्ट नहीं हुआ। यदि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं था, फ्यूचर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो गीता जी क्या कहती है, नॉलेज देती है कि आपके मेरी लाइफ में जितनी मर्जी चैलेंजेस आए, जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जितने मर्जी झंझट झमेले झगड़े झंझनाहट हो, जितनी मर्जी उथल पुथल हो, जितना मर्जी उतार चढ़ाव हो, मैन विल कम मैन विल गो बट आई विल गो फॉर एवर। Whatsoever happens in your life, आपका mental equilibrium कभी भी disturbed नहीं होना चाहिए। और उसका antivirus है भगवत गीता। और तीन चार चीजें बताती है। पहली चीज बताती है गीता जी की, डिजायर फुलफिल हो तो जॉय, फुलफिल ना हो तो सॉरो। डिजायर एलिमिनेट हो जाए तो ब्लिस है। So, पहला तरीका गीता जी क्या कहती है, पांच तरह की डिजायर है, हायर डिजायर पिकअप कर लो, लोअर डिजायर खत्म हो जाएगी, स्यापा ही खत्म। दुख कब आएगा, जब डिजायर होगी। जब डिजायर ही नहीं है तो दुख किस बात का। When you don't have a desire, तो डिजायर कहेंगे नहीं। लोग कहते हैं डिजायर छोड़ दी तो जिएंगे कैसे। ये कौन सा हम जी रहे हैं, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हम कहां जी रहे हैं, हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए हर चीज का एक स्टॉक्स वैल्यू होती है, एक स्टॉक मार्केट वैल्यू होती है हर ऑब्जेक्ट की। आप अपनी स्टॉक मार्केट वैल्यू पूछिए अपने आप से, क्या अचीव किया मैंने, क्या अचीव किया। आई एम नॉट बूस्टिंग योर ईगो। क्या अचीव किया आपने अपनी लाइफ में, आस्क योरसेल्फ। मकान बनाया, बिग डील, बच्चों की शादी करी, नहीं भी करते तो भी हो जाती है। दुकान बनाई, इज इट ए रॉकेट साइंस है। व्हाट इज दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। आपकी स्टॉक वैल्यू मार्केट कितनी है, डोंट आस्क मी डोंट टेल मी, आस्क योरसेल्फ। क्या अचीव किया पिछले 40 45 50 60 सालों में आपने, मैंने या किसी और ने। डोंट आस्क एनीबॉडी, अपने आप से करो। और यदि आपको लगता है इट्स नथिंग वर्थ अचीव्ड इट, अपना टाइम आ गया, आपका टाइम आ गया। स्टिल यू हैव ए प्रोबेबिलिटी, स्टिल यू हैव ए ऑप्शन, स्टिल यू हैव ए अपॉर्चुनिटी टू अचीव द हाईएस्ट प्लेस, स्टिल यू हैव ए स्कोप। क्योंकि जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो। प्लीज लिसन इट मेक केयरफुली। जब तक डेथ नहीं होती, देहांत नहीं होता, तब तक लास्ट मोमेंट ऑफ ब्रेथ तक हम में कैपेबिलिटी है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। एंड जब तक ये बॉडी कैपेबल है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ये बॉडी हमारे साथ रहेगी। जिस दिन हमारी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिस दिन हमारा एनवायरनमेंट सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं हुआ, टाटा बाय बाय, भी नहीं करके जाओगे। एंड देन यू विल गेट अ न्यू बॉडी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, विच इज बेस्ट कंड्यूसिव टू एग्जॉस्ट योर डिजायर। अगेन बॉडी मिल जाएगी जो आपकी डिजायर। सो आप और मैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस डेज ऑफ गीता जयंती, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी स्टॉक मार्केट वैल्यू बढ़ाइए। यही कर लीजिए कि आई स्टडीड भगवत गीता और आई रोट कमेंट्री ऑन भगवत गीता और आई रोट नोट्स ऑन भगवत गीता। किसी और के लिए नहीं, मेक ए मिशन योर लाइफ कि भगवत गीता के मुझे एक एक श्लोक को अपना एक्सप्लेनेशन कमेंट्री अपने आइडिया दे रहा। आई नो ए लेडी, शी इज 85 ईयर ओल्ड, सुबह 4 बजे उठ के कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में जो जो मेरे नोट्स होते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, शी हैज कंप्लीटेड द होल भगवद गीता और मुझे दे दी। मैं कैसे पढ़ू इतनी यूज, बट शी इज सो हैप्पी, उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ है। शी इज डन सच ए ग्रेट वंडर फॉर हर लाइफ, कहती मैंने लाइफ में अचीव किया। क्या किया? So, पहली चीज लाइफ में, मेक योर सेल्फ ए लक्ष्य, गोल हायर। बार बार बोलता हूं, अपना भी टाइम आएगा। कब आएगा टाइम? अभी टाइम है आपका। ये नहीं है कि फ्यूचर में आएगा, अभी। पिक अप एनी गोल, डोंट आस्क मी डोंट टेल मी। यही गोल है कि यदि मुझे अपने मोहल्ले के डॉगीज को खाना खिलाना, ओके डू इट। I'm not saying कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करें। भयंकर सीजन आएगा, भयंकर सुख आएगा, भयंकर दुख आएगा।
बट यू विल बी सम पहली पॉइंट जब आपकी वैल्यूज आ जाए तो पांच तरह की डिजायर्स है हायर डिजायर आ जाए तो छोटी छूट जाती है नाउ इज द सीजन तीसरा पॉइंट है पहला भयंकर सिचुएशन में आपको नॉलेज आएगी अभी प्रेजेंट इज द डे वर्तमान अभी है समय फ्यूचर में मत छोड़िए कल से करूंगा परसों से करूंगा रिटायरमेंट के बाद करूंगा एक आदमी ने चिट्ठी लिखी मेरे गुरुजी को बहुत पुरानी बात है मैं वीपीपी से बुक जाती थी तो एक आदमी ने चिट्ठी लिखी कि सर जी मुझे आपकी किताबें बड़ी अच्छी है कृपया करके ये बुक्स मुझे मेरे इस एड्रेस पर भेज दीजिए वीपीपी करके लेकिन ऐसा कीजिए 1 अप्रैल को भेजिएगा जनवरी को चिट्ठी आई कहते 1 अप्रैल को भेज दीजिएगा नीचे नोट फुट नोट था क्योंकि मैं 31 मार्च को रिटायर हो रहा हूं तो रिटायरमेंट के बाद मैं पढ़ूंगा ना पास्ट इज द मिस्ट्री पास्ट इज द मिस्ट्री फ्यूचर इज द हिस्ट्री पास्ट इज द हिस्ट्री फ्यूचर इज द मिस्ट्री आई एम सॉरी पास्ट इज द हिस्ट्री फ्यूचर इज द मिस्ट्री प्रेजेंट इज द गिफ्ट सो ये गिफ्ट है आपके पास पहला पॉइंट दूसरा किसी भी हायर डिजायर ले लीजिए हो जाएगा और तीसरी पॉइंट जो है ये जो सुख दुख का सीजन है बहुत छोटा है कंपेयर टू उस ब्रह्मांड के सामने उस ब्रह्मांड के सामने ये सीजन बड़ा छोटा है हमें लगता ज्यादा है इंग्लैंड में एक कहावत है ब्रिटिशर्स ऑलवेज मोर्न अबाउट देयर वेदर ब्रिटेन में एक कहावत है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कट स्टेटमेंट है ब्रिटिशर्स ऑलवेज मोर्न अबाउट देयर वेदर मीनिंग वहां पे ग्लूमी है ग्रे वेदर है दोज़ हू बीन टू इंग्लैंड नोस ओ आई मिस दिस समर ओ दिस सीजन आई मिस माय समर सीजन व्हाई आई वाज इन सिनेमा हॉल 3 घंटे का समर सीजन था अब तो चेंज हो गया ब्रिटिशर्स ऑलवेज मोर्न अबाउट देयर वेदर एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू इंसिडेंट पर्सनल इंसिडेंट मैं बता रहा हूं I traveled a lot, as you know. अब तो कोरोना के कारण ये पहला साल है कि मैं किसी विदेश में नहीं गया नहीं तो it was like a normal ritual था bag packed ही होते थे तो प्रभु की अत्यंत कृपा महिमा अनुकंपा रही नेचर की कि मुझे इंग्लैंड जाने का बहुत मौका मिला मैं बहुत बार गया हूँ आई थिंक 20-22 बार मैं लंदन इंग्लैंड गया हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट एक एक साल में कई बार 2-3 बार गया नाउ इफ यू नो लंदन इंग्लैंड में बहुत ग्रे वेदर है सनी नहीं होता सन इज अ वेरी रेयर फिनोमेना सो आई वॉज फ्लाइंग एरोप्लेन से एंड सामने जो GPS होता है उसमें बता रहे थे लंदन 50 किलोमीटर 60-10, 40-10 एंड दिस वॉज अ ब्राइट सनी स्काई में नीचे क्लाउड है नीचे बादल है एंड GPS बता रहा है उसका जो सैटेलाइट सिस्टम बता रहा है कि लंदन 100 किलोमीटर दूर है लंदन 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा एयरपिन लैंड कर रहा है हीथ्रो टर्मिनल 3 पे एंड खिड़की से बाहर देखो तो इट्स ए सनी ब्राइट वेरी सनी डे So I thought, oh, today is going to be nice sunny day, season hoga, sunny season hoga, Britain mein. Niche badal. And jaise hi badal cross karke, we landed in Heathrow Terminal 3. It was all grey and grey and grey. Very bad weather. I asked immigration officer, how's the weather today? Oh, it's very bad. We're not seeing sun from last 15 days. इमिग्रेशन ऑफिसर कहता 15 दिन हो गए हमने सूरज नहीं देखा देयर इज नो सनलाइट देयर इज वेरी ग्रे वेदर है देयर इज अ सीजन ऑफ ग्रे वेदर इट्स पैथेटिक एंड ही स्टार्ट लेक्चरिंग आई गो सो सैड ब्रिटिश इज ऑलवेज मोर्न अबाउट देयर वेदर फेयर एनफ आई रीच्ड माय होस्ट हाउस होस्ट कहता ओ वेदर इज वेरी बैड वेदर इज वेरी बैड एंड आई थॉट इन माय सेल्फ मैंने कहा 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में 10 किलोमीटर ऊपर बादल है
और बादल के ऊपर इंतहा सनी नाइट सनी है, थोड़ी दूर ही सन है, लेकिन बादलों ने उस सूरज को लंदन से दूर किया हुआ है। और वो 15 दिनों से सूरज नजर नहीं आया। कितनी दूर है सूरज लंदन से? सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर भी मैं लंबा कह रहा हूं, बहुत दूर नहीं है। बादल क्रॉस करते ही सन है, लेकिन फिर भी पास समीप दिखत नहीं, दृग दृग ऐसे दिन, तुलसी संसार को भया मोतिया बिंद। सिमिलरली फ्रेंड्स, वो प्योर नॉलेज आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हम सबके अंदर है। घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। वो सन, वो ब्राइट सब तरफ है, वो सनी, वो सुप्रीम नॉलेज, वो एफल्जेंट, वो सेल्फ एफल्जेंट गॉड इज ओम्निप्रेजेंट ओम्निशिएंट। लेकिन हमारे मोह के बादल ने उस परम तत्व, परम सन को, परम ज्ञान को अंधेरे में रखा हुआ है। और हम दुखी, चिंतित, परेशान, हतोत्साहित, दुखी होके इस संसार में बैठे हुए और सोच रहे हैं अपना भी टाइम आएगा, सोच रहे हैं अच्छा सीजन आ जाएगा, सनी डेज आर गोइंग टू कम। इंग्लैंड की तो बात अलग है, आप बादल से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आपके भीतर में ज्ञान का सूरज बहुत करीब है। आपके अंदर ज्ञान का सूरज बहुत करीब है, बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा सा मोह की रॉकेट से निकल जाइए, मोह के इस रॉकेट को ज्ञान की आग लगाइए, और इस ग्रेविटेशन लेयर से जैसे ही, मैं तो एग्जांपल से बता देता हूं आपको, इसी एग्जांपल से बता देता हूं। पृथ्वी इतनी है, मान लीजिए सूरज इतना है, सॉरी पृथ्वी इससे भी छोटी है, पृथ्वी इतनी है, सूरज इतना है, और बादल इतना है, बस ये डॉट जो है अंदर, ये बादल है। और इस छोटे से डॉट ने, आप कहता है, सूरज को ढक लिया, सूरज को ढक लिया। कंपेयर टू सन, सूरज की तुलना में ये बादल कितना है, छोटा सा। तो उस परमात्मा, परम ज्ञान की तुलना में आपका डिप्रेशन कितना है, आपका एजिटेशन कितना है, आपका सौरो का सीजन कितना है। उस परम नॉलेज के सामने, आप पृथ्वी और परमात्मा सूरज है, आप पृथ्वी और परमात्मा सूरज है, और सूरज और आपके बीच में ये पिता सा एक मोह आपको प्रभु के बीच में रोकता है। ये ज्ञान का रॉकेट है, इससे ऊपर उठिए। ये एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं समझाने के लिए। ये पृथ्वी है, यहां से रॉकेट जाता है, और आपको पता है ये ग्रेविटेशन लेयर है पृथ्वी के ऊपर, एक गुरुत्वाकर्षण की लेयर है, ग्रेविटेशन लेयर है। ये रॉकेट चलता है यहां से और ह्यूज फायर पावर लेता है, और ये पावर लेके जैसे ही ग्रेविटेशन लेयर से ऊपर पहुंचता है, उसके बाद दोबारा संसार का कोई आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर सकता। संसार का कोई भी आकर्षण, ग्रेविटेशन उसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता। सिमिलरली हम मोह में, पृथ्वी संसार हमें मोह में, टेंशन में, एजिटेशन में, फियर में, ग्रीड में दबाए रखा है। ये ज्ञान, गीता रूपी ज्ञान का अध्ययन करें। गेयम गीता नाम सहस्रम, भजगोविंदम में कहते हैं एक श्लोक भी पढ़ लो आप, मुरारी की एक बार अर्चना भी कर लो, गंगा जी का एक बूंद भी पी लो। मीन्स ये नॉलेज अपने जीवन में लीजिए, और ये रॉकेट की तरह आपको इस मोह के चक्रव्यूह से, इस मोह के ग्रेविटेशन लेयर से ऊपर उठा देगा। अनुभव से बता रहा हूं, ये थ्योरिटिकल नहीं है। और जब एक बार ग्रेविटेशन लेयर से आप ऊपर उठ जाए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब यू, नथिंग दिस वर्ल्ड।
तो हम सब लोग गीता के साधक हैं, गीता जयंती के इस पावन पर्व पे हम सब लोग उस परम पिता परमात्मा को शुक्राना करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हमें सक्षम बनाया। कि यदि आप देखें दोस्त, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 600 करोड़ 700 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन है, 700 करोड़ लोगों में से कितनों ने गीता जी का नाम सुना होगा, कितनों ने, 700 करोड़ लोग दुनिया में है, कितनों ने गीता जी का नाम सुना होगा, 100 करोड़ लोगों ने, 200 करोड़ लोगों ने नाम सुना होगा, विश्व में 200 करोड़ लोगों ने गीता जी का नाम सुना होगा, उस में से 200 करोड़ लोगों में से कितनों ने गीता जी को छुआ होगा, छुआ होगा 200 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों ने, 700 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों ने गीता जी का नाम सुना होगा, 100 करोड़ में से, चलो मैं ज्यादा नंबर देता हूं, 10 करोड़ लोगों ने गीता जी को छुआ होगा, उस 10 करोड़ लोगों में से कितनों ने गीता जी को पढ़ा होगा, कितनों के पास इंटरेस्ट होगा गीता जी को पढ़ने का, कितनों में के पास समय होगा गीता जी को पढ़ने का, कितनों के पास गीता जी को पढ़ने को समझाने के लिए कोई योग्य गुरु होगा। मैंने कहता मैं हूं, कोई भी हो, सॉरी डोंट टेक इट कि आई एम द टीचर, एनी टीचर। 700 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों ने गीता जी का नाम सुना, 200 करोड़ में ले लो, उसमें से 10 करोड़ ने गीता जी छुई, 10 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ों में से इंटरेस्ट होगा, 1 करोड़ में से 50 लाख लोगों के पास समय होगा, 50 लाखों में से भी 1 या 5 लाख लोगों के पास इंक्लिनेशन होगी, गुरु होगा, टाइम होगा, अवेलेबिलिटी होगी। अब आप कहां तक पहुंचे इस पूरी कायनात में, कहां तक पहुंचे, और अब इतने करीब आके आप छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं विराम लेता हूं। आपका लगते जिगर बॉम्बे जाता है, उसकी इंटरव्यू है बॉम्बे में, आपका लगते जिगर की इंटरव्यू है बॉम्बे में, और बॉम्बे सेंट्रल में मराठा मंदिर की बिल्डिंग के ऊपर ही ऑफिस है जहां इंटरव्यू है। तो आप कहते हैं यार क्यों तू फ्लाइट लेके जा रहा है, राजधानी में चला जा। वो कहता ठीक है। तो रात की शाम की राजधानी लेता दिल्ली से, और सुबह 8 बजे राजधानी बॉम्बे सेंट्रल पहुंच जाती। 8 बजे बॉम्बे सेंट्रल जब पहुंचती है तो आपकी इंटरव्यू है 12 बजे। तो आप कहते इतना देर में क्या करूं, आप क्या करते हो, बॉम्बे सेंट्रल से जू चले जाते हो किसी फिल्म की शूटिंग देखने, फिल्मिस्तान स्टूडियो में या कहीं पे भी, और शूटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, और शूटिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको ध्यान नहीं रहता कि इंटरव्यू का, और जब ध्यान आता है भागते हो, ऊबर करते हो, ओला करते हो, भागते हुए मराठा मंदिर पहुंचते हो बॉम्बे सेंट्रल के सामने, और जब इंटरव्यू के लिए पहुंचते हो तो कहते हैं हमने तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, यू आर लेट। अब 3 बजे पहुंचे मराठा मंदिर, अब 5 बजे की आपकी ट्रेन है वापसी, राजधानी वापसी ली, अगले दिन घर वापस आ गए। क्या बोलोगे आप अपने लगते जिगर को, इतने करीब आके तूने मिस कर दिया। आप लोग इतने करीब आ गए भगवत गीता के, तो गीता जी जयंती के इस पावन पर्व पे हम संकल्प लेते हैं दोबारा कि हम भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ेंगे भी, जीवन भगवत गीता जी को तो मानेंगे, भगवत गीता जी की भी मानेंगे, अपने जीवन में अंगीकार करेंगे इसी विश्वास के साथ। एक सूचना देनी है मैंने आपको कि आज हमने गीता जयंती के दिन में अपनी वेबसाइट को रीलॉन्च किया है, तो ऋषि बग्गा का मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने काफी सपोर्ट करी इस कार्य के लिए। सो आज हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है www.geetaacademy.org, geetaacademy.com, geetaacademy.in, जो भी डाल दीजिएगा। ऋषि मुझे कहता सर
ये तीन मार्ग हैं, कहीं कोई भी पकड़ लो, पहुंचोगे आप इकट्ठे। सो मैंने कहा तुझे भी ज्ञान देना शुरू हो गया तू। सो geetaacademy.org, geetaacademy.com, geetaacademy.in कुछ भी डालिएगा, ये हमारा प्रयास है। कोई भी सजेशन हो प्लीज वेर मोर देन वेलकम। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।